तो फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे थे प्रोबोसिस की। तो प्रोबोसिस जो है यह जो इसकी संरचना होती है ये पेशी युक्त रचना होती है, ठीक है, जो मुख के आगे स्थिर होती है। ये बात करें तो हम लोग ये फिगर है, ये प्रोबोसिस, ये ठीक है, पेशी युक्त रचना होती है जो कि मुख के आगे और स्थिर होती है। थोड़ा लिख लेते हैं, जैसे यह पेशी युक्त रचना है, ठीक, यह मुख के आगे स्थित होती है। जो यह है, यह प्रोबोसिस होती है, यह एक छोटे वृत्त द्वारा कॉलर से जुड़ी होती है, ठीक है। ये जो प्रोबोसिस होता है वो जो छोटी सी वृत्त द्वारा कॉलर से जुड़ी होती है, ये भी एक पॉइंट है। यह एक संकरे लिख सकते हैं आप, संकरे छोटे छोटे वृत्त द्वारा कॉलर से जुड़ी होती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो सुंड की गुहा होती है वो सुंड मतलब प्रोबोसिस वृत्त के आधार के पास पृष्ठ सतह पर स्थित सुंड छिद्र मतलब प्रोबोसिस पोर द्वारा बाहर खुलती है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉलर की। ठीक, कॉलर, कॉलर जो होती है ये सुंड के ठीक पीछे एक उभार के रूप में होती है, मतलब प्रोबोसिस के ठीक पीछे कॉलर होता है, ये उभार टाइप की स्ट्रक्चर जो है ये कॉलर की, ठीक है, कॉलर की। ये हो गया कॉलर। अब इसमें देखिए, और सुंड वृत्त, और जो प्रोबोसिस वृत्त होता है मतलब प्रोबोसिस स्टाक को घेरे रहता है, ये प्रोबोसिस स्टाक को घेरे रहता है। यह सुंड के ठीक पीछे एक उभार के रूप में होता है। और सुंड जो है वृत्त को घेर रहता है, मतलब जो सुंड है, सुंड जो है
लेबरिंथ, जैसे पूरा प्रोबोसिस, स्टार्क स्टार्क को घेर रखता है। रहता इसमें जो है कॉलर के जो अगले और पिछले सिरे आगे की ओर निकलकर सुंड तथा धड़ को थोड़ा सा ढक लेते हैं। ट्रंक जो है यह शरीर का लंबा बेलनाकार किंतु चपटा पिछला भाग, जिसको तीन भागों में बांटा गया है, क्लोमजन भाग, यकृत भाग और उदर भाग। जो ये ट्रंक, इस ट्रंक की बात करें हम, जो ट्रंक है, ट्रंक ये भी डिवाइड है, ट्रंक हमारा डिवाइड है क्लोम जनन भाग, क्लोम जनन भाग इंग्लिश में बोले तो ब्रेन, ब्रेंचियो जेनाइटल रीजन। और सेकंड हो जाएगा यकृत भाग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेपेटिक रीजन, हेपेटिक रीजन। और तीसरा है उदर भाग को इंग्लिश में कहते हैं एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन। बात करेंगे क्लोम जनन भाग को बारे में। क्लोम जनन भाग मतलब इस भाग की जो पृष्ठ दीवार है, क्लोम छिद्रों की दो पंक्तियां पाई जाती हैं, ये खांचों में स्थिर होती हैं, ठीक है, और ये एंट्रियम में खुलती है, जो बलनोग्लॉसस पर एंट्रियम होती है उसमें खुलती है। इसकी जो पार्श्व दीवारें होती हैं, मतलब पीछे की दीवारें जो होती हैं, एक जोड़ी लंबवत जनन उभर बनाती हैं, ठीक है, जनन उभर बनाती है, और इनमें जो होता है गोनेट्स स्थित होते हैं, इसे हिंदी में जनक कहते हैं, गोनेट्स। और बात कर लेते हैं हेपेटिक रीजन की, ये हेपेटिक रीजन, ठीक है, यह भाग जो होता है हरे रंग का होता है और पृष्ठ सतह पर असंख्य यकृत सीके पाए जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है उदर भाग, एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन में यह भाग जो है सबसे लंबा होता है और बेलनाकार होता है, यह क्रमशः पीछे की ओर पतला व पतला होता जाता है और अंशतः भाग पर जो होती है गुहा स्थित होता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, बलेनोग्लॉसस का फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम हेमी कॉर्डेटा, क्लास इंट्रोपिनिस्टा, फैमिली टेरिडो, ठीक, इसको टाइको डेरिडी और ब्लेनो टाइप, इसका ब्लेनोग्लॉसस, ठीक है, क्लासिफिकेशन। आज के लिए इतना ही, ठीक है, अगर
आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और सॉरी बोलना चाहूँगा, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही।